नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि प्रत्येक कोर्स को पूरा करने हेतु प्रशिक्षार्थी को ऑनलाइन मूल्यांकन टेस्ट में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने के बाद संबंधित कोर्स का प्रमाण पत्र शिक्षक को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य यह है कि आपको भी प्रमाण पत्र सही टाइम पर मिल जाए, और नहीं आएगा तो आप कहेंगे मेरा प्रमाण पत्र नहीं आया। और यहाँ पर जो प्रश्नों का क्रम है, इसमें प्रश्नों का क्रम और जो प्रश्न के ऑप्शन हैं, जब आप इनको रीडू करते हैं तो ये बदल जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखकर आप अपने क्वेश्चन के आंसर हल कर लीजिए। तो जैसा कि ये यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा पहला मॉड्यूल निष्ठा का ये आ चुका है, और इसमें मेरा स्कोर जो है 10/10 का है, और मैं चाहती हूँ कि आपके भी स्कोर 10/10 रहे। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरा और अपना स्कोर 10/10 कर सकते हैं, ताकि आपको सही समय पर सर्टिफिकेट मिल जाए। तो आइए चलते हैं इसके अंतिम भाग प्रश्नोत्तरी पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके सभी के उत्तर। इनके प्रश्नों के क्रम भी बदल जाते हैं और प्रश्नों के ऑप्शन के भी क्रम बदल जाते हैं जब आप रीडू करते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो यह इसका आंसर है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? इसका सही उत्तर है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो अगला क्वेश्चन है, समान विकलांगता वाले दो बच्चे कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है? इसका ये उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है? इसका सही उत्तर है, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन में से किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? तो इसका आंसर है 5-3-3-4। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम में कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो ये इसका सही उत्तर है, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो इसका उत्तर है, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? तो इसका उत्तर है 1968 और 1986। इसमें अगला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसका सही उत्तर है कि ये सभी, जो भी और बाकी के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सब भी अपने क्वेश्चन के आंसर सही कर लीजिए और 10/10 का स्कोर ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।